Authorities at a zoo in Kanpur are taking special measures to ensure the longevity of four tiger cubs born 4 months ago. The mortality rate among tigers is 50%, but the cubs have done well so far, said the veterinarian at Kanpur Zoo, Dr. R.K. Singh, on Friday. जो आपने कहा कि चार बच्चे हुए और वो बच गए ये भी बहुत अच्छी है. अमूमन इनमें 50% मॉर्टिलिटी यानी मृत्यु दर होती है, लेकिन चार हुए और चारों अभी तक हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और हमें उम्मीद है आगे भी करेंगे. अंदर शुरू में कूलर वगैरह लगा हुआ था, अब तो कूलर आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा जो अंदर सफाई वगैरह है, विशेष केमिकल्स होते हैं उनसे की जा रही है. अब ये मीट भी खाने लगे हैं तो इनको जो है बहुत ही मुलायम मीट दिया जा रहा है माँ के साथ में, और जो बाड़ा है उस बाड़े को भी सुबह खोलने से पहले स्टरलाइज किया जाता है, उसके बाद इन्हें छोड़ा जाता है. The enclosure of the tigers is being sanitized with special chemicals to keep any infections at bay, and the cubs are being fed soft meat. The cubs will be brought out for public viewing for the first time on August 15.